केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के धर्मशाला दौरे के दौरान कृषि विधेयक को प्रदेश व देश के लिए लाभदायक करार देने पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने इस पर सवाल उठाए हैं। अभिषेक राणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर विधेयक लाभकारी था तो एनडीए सरकार के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा है। वहीं उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर पर जनता को गुमराह करने के आरोप भी लगाए। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया सेल चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि कृषि विधेयक पर अकाली दल की नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बिल को किसान विरोधी करार दिया है, जिस पर अब बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आदरणीय सांसद महोदय, जो उनके सहयोगी दल के नेता हैं अकाली दल से, जो उनका भी नाता टूटा है इसी बिल के ऊपर, वो इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या सिमरत कौर बादल ने कहा नहीं कि ये जो बिल लेकर आए हैं ये किसानों के विरुद्ध है, इसलिए वो इतना पुराना अलायंस जो तोड़ रहे हैं उसके ऊपर खामोश क्यों है? अभिषेक राणा ने सांसद से सवाल किया है कि कोरोना संकट का नौकरियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज युवा बेरोजगार है, तो इसका जवाब सांसद अनुराग ठाकुर जल्द दें। साथ ही राणा ने अनुराग ठाकुर की कथनी और करनी में भी फर्क बताते हुए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। और ये भी बताएं कि जब कोरोना काल से पहले उन्होंने ये बड़ा बड़ा बयान दिया था पूरे देश के सामने कि कोरोना काल का अर्थव्यवस्था के ऊपर, नौकरियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या आज सांसद महोदय अपने बयान पर कायम है? क्या वो दोबारा कह सकते हैं देश के सामने, युवाओं के सामने, कि जो उन्होंने स्टेटमेंट कोरोना काल में लॉकडाउन से पहले दी थी कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या आज भी वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम है? तो सांसद महोदय लगातार पहले दिन से ही लोगों को गुमराह करने का काम करते आए हैं, और हर वक्त उनकी जो बयानबाजी है वो बदलती रही है, लोगों को भड़काने का काम किया है। दिल्ली की बात हो, झूठे एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दिए हुए हैं, तो जनता जानती है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है, और लोगों को गुमराह कौन कर रहा है ये सब देख रहे हैं। अभिषेक राणा ने भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भाजपा नेता सरेआम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सवाल करती है, सरकार उल्टे मुकदमे बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार की बात को सही मानते हैं, सरकार उनके साथ है, और जो उनकी बुराई करती है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो पहले दिन से ही कह रही है कि जो जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हैं उसकी धज्जियां जो हैं प्रदेश सरकार के मंत्री और अफसर खुद उड़ा रहे हैं। लगातार पीछे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम देखते रहे हैं कि जब जब कोई कार्यक्रम हुआ है या कोई ऐसी कोई भी कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मंत्रीगण जो हैं वो खुलेआम जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य मापदंड जो रखे गए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसकी उल्लंघना कर रहे हैं। और जब कभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष महोदय या कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी जो है वो सरकार के गलत नीतियों की आलोचना करता है, तो उनके ऊपर जो उल्टे मुकदमे बनाए जाते हैं। इस बार सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कानून और मापदंड अलग हैं, जो सरकार के विरुद्ध में खड़ा है, जो विपक्ष में खड़ा है, उसके लिए मापदंड अलग हैं। दोहरे चेहरे जो हैं कानून को लेकर इस सरकार में देखे गए हैं।